क्या आप सात्विक डाइट प्लान फॉलो करते करते अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं? इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे एक नया सात्विक प्लान जिसका नाम है एक्टिव डाइट प्लान, जो वजन बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। साथ ही इस वीडियो के एंड में आप जानेंगे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट स्पेशल बोनस टिप्स जो वेट गेन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर ज़रूर देखें। आइए सबसे पहले जानते हैं ये एक्टिव डाइट प्लान आपके लिए है भी कि नहीं। ये प्लान आपको सिर्फ दो सिचुएशंस में फॉलो करना चाहिए। पहली, अगर आपने पहले सात्विक हीलिंग प्लान फॉलो करा है जिसमें अनाज एक बार खाया जाता है, फल एक बार और सैलेड सूप एक बार, और अब आप अपना वजन थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, तो ये प्लान आपके लिए है। या फिर दूसरा सिनेरियो, अगर आपका बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है, आप रोज़ एक दो घंटे इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं या देर घंटों तक चलने फिरने का काम रहता है, और अगर आपको लगता है कि आपको पोषण की ज़्यादा ज़रूरत है, तो भी ये प्लान आपके लिए है। किसको ये प्लान फॉलो नहीं करना चाहिए? उन्हें जिन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़, पीसीओडी, पिंपल्स, एसिडिटी, साइनसाइटिस, एस्थमा इत्यादि। कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ के केस में आपको हीलिंग प्लान फॉलो करना चाहिए, जिसके बारे में हमने आपको अपनी दूसरी वीडियोस में बताया है। जब हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए और फिर यदि आपको वज़न बढ़ाने की ज़रूरत लगे, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने एक्टिव डाइट प्लान पे। सुबह नाश्ते से पहले करीब 7-8 बजे एक नरिशिंग जूस ले लें। ये नरिशिंग जूस क्या होता है? देखिए, जूस दो टाइप के होते हैं, नरिशिंग जूस यानी पौष्टिक जूस और डिटॉक्स जूस यानी अंदर की सफाई करने वाले जूस। डिटॉक्स जूस में आ जाते हैं सफ़ेद पेठे का जूस या हरी सब्जियों के जूसेस, और नरिशिंग जूसेस में आ जाते हैं ताज़े फलों के जूसेस, जैसे कि तरबूज का जूस, संतरे का जूस, अनार का जूस, गन्ने का जूस, और स्टार्ची सब्जियों के जूस, जैसे कि गाजर का जूस, चुकंदर का जूस, ABC यानी एप्पल बीटरूट कैरेट का जूस। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, तो आप हफ्ते में 6 दिन नरिशिंग जूस लें और 1 दिन डिटॉक्स जूस ले सकते हैं। फिर करीब 1-2 घंटे बाद ब्रेकफास्ट में लीजिए फलों और मेवों से बने स्मूदी। स्मूदी बनाने के लिए आप एक बड़ी मुट्ठी भर मेवे रात को भिगोने रख दीजिए, जैसे कि काजू, बादाम, अखरोट। सुबह भिगोए हुए नट्स को किसी भारी फल, 3-4 खजूर और थोड़े पानी के साथ मिक्सी में चला के उसका शेक बना लीजिए। ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। फलों में आप केला, चीकू या आम ले सकते हैं। चाहे तो इस स्मूदी को बोल में परोस के ऊपर से थोड़े सीड्स और नट्स डाल के आप इसको स्मूदी बोल की तरह भी खा सकते हैं। आप इसको संतुष्टि से खाएं। ये नट्स और फ्रूट्स आपको हेल्दी वेट गेन करने में हेल्प करेंगे। बस ये ध्यान रहे कि आप नट्स को हमेशा भिगोकर ही खाएं और आपके फल हमेशा मौसम के हो। बाय चांस आपको लगता है कि आपको और भारी ब्रेकफास्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसका भी उपाय आपको इस वीडियो में थोड़ा आगे जाकर बताएंगे। फिर आ जाती है बात लंच की। लंच में आप पल्स बोल लें। बेसिकली ये किसी एक पल्स, सब्जियों और नारियल के दूध की बनी एक डिश होती है। इसको बनाने के लिए कोई भी एक पल्स ले लें। कुछ ऑप्शंस है छोला, चना, राजमा, लोबिया, मूंग दाल या कोई भी दूसरी दाल। बस याद रखिए, आप जो भी पल्स यूज़ करें उसको 6-8 घंटे भिगोकर ही खाएं। साथ ही ले लें 3-4 प्रकार की सब्जियाँ जो आपको ईजिली अवेलेबल हो और जो मौसम की हो। सब्जियों में आप ले सकते हैं लौकी, आलू, शकरकंदी, गोभी, बीन्स, मटर, गाजर, शिमला मिर्च, ब्रोकली, पालक। आप समझ रहे हो ना, जो भी मौसम में है वो डाल दीजिए। कोई भी 3-4 सब्जियाँ ले लें, बस छोटा छोटा कुछ इस तरह उनको चॉप कर ले। सबसे पहले अपनी स्पाइसेस सॉटे कर ले। थोड़ा अदरक, राई, हरी मिर्च और तेज पत्ते को हांडी में ड्राई रोस्ट कर लें। फिर उसमें अपनी चॉप सब्जियां डालें थोड़े पानी के साथ, और हांडी बंद करके सब्जियों को पकने दें। एक बार सब्जी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तो उसमें अपना उबला हुआ पल्स डाल दें। अब गैस बंद करके ऊपर से घर पे बना नारियल का दूध, नमक और अपने मनपसंद हर्ब्स डालिए। हम तो कभी ऊपर से सूखा ओरिगेनो डालते हैं, तो कभी सूखी रोजमेरी। नारियल का दूध हमेशा घर पे ही बनाएं। इसको बनाने की विधि हमने आपको इस वीडियो में दी है। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, फाइनल स्टेप, ऊपर से डालें फ्लैक्स सीड पाउडर यानी अलसी के बीज का पाउडर।
इसको बनाने के लिए फ्लैक्सीड को रोस्ट करें, फिर सिंपली फ्लैक्सीड को मिक्सी में चला के उसका पाउडर बना लें और अपने बोल के ऊपर एक चम्मच डालें। जो हमने आपको दिया है वो एक पल्स बोल बनाने का फॉर्मूला है, जिसमें चार चीज़ें होनी चाहिए, एक कोई पल्स, सब्जियाँ, नारियल का दूध और सीड्स। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए और अपने हिसाब से इतना टेस्टी बनाइए कि पेट भर के आपसे खाया जाए। फिर बारी आती है डिनर की, जिसमें आप रोटी सब्जी, चावल सब्जी या कोई मिलेट सब्जी ले सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो रोटी सब्जी को सात्विक स्टाइल में बनाइए, जैसे हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में सिखाया है। रोटी में कोई भी एक सब्जी भर के और सब्जी को बिना लाल मिर्च, बिना गरम मसाला, बिना तेल के कम से कम मिर्च मसालों के साथ खाइए। आप सात्विक रोटी सब्जी बनाना सीखना चाहते हैं तो इनके भी लिंक्स हमने इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दिए हैं। वेट गेन प्लान में डिफरेंस ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ची डेंस वेजिटेबल्स लें, जैसे कि आलू, शकरकंदी, कद्दू, गाजर। आप चाहे तो ब्राउन राइस या कोई भी मिलेट भी ले सकते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी। तो ये हो गया हमारा एक्टिव मील प्लान। अब आते हैं कुछ बहुत ज़रूरी बोनस टिप्स पर, जिनका आपको इस प्लान को फॉलो करते करते ध्यान रखना है। पहली टिप, आप इन मील्स को अपने स्केड्यूल के हिसाब से स्वॉप कर सकते हैं। जो हमने आपको दिया है वो एक रेफरेंस के लिए है, अब आप इसको अपनी जजमेंट यूज़ करके अपने रूटीन के हिसाब से एडजस्ट करने की फ्रीडम रखें। मान लीजिए आप सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और सुबह ही एक इंटेंस वर्कआउट करते हैं, ऐसे में हो सकता है आपको 9 बजे ही बहुत गुड़गुड़ वाली भूख लगे। ऐसे में सुबह ब्रेकफास्ट में आप अपनी स्मूदी की जगह अपना पल्स मील ब्रेकफास्ट में ले लीजिए और स्मूदी दोपहर को 1 बजे लंच की जगह ले सकते हैं। या फिर अगर आपका नाश्ते में कोई अनाज खाने का मन करता है तो ग्रेन मील ब्रेकफास्ट में ले लें, स्मूदी लंच में और पल्स मील शाम को। कहने का मतलब कि आप इस प्लान को अपने स्केड्यूल, अपने एक्टिविटी लेवल, अपने मेटाबॉलिज्म के हिसाब से एडजस्ट करें। सबसे ज़रूरी बात है ये कि आप इसको फॉलो करते हुए अपनी बॉडी की सुने। अगर कभी भूख नहीं लग रही तो ज़बरदस्ती ना खाएं। हो सकता है कि आपको किसी दिन अपने शरीर को डिटॉक्स देने की ज़रूरत फील हो, उस हफ्ते एक दिन आप हीलिंग प्लान भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरी टिप, आप अपने डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच 13 से 14 घंटे का ब्रेक रखें। देखिए, पिछली वीडियोस में हमने आपको 16 आवर फास्टिंग के बारे में बताया था, लेकिन एक्टिव प्लान में आपको 16 घंटे उपवास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके शरीर को ज़्यादा बिल्डिंग की ज़रूरत है, डिटॉक्स की नहीं। तो इसीलिए एक्टिव प्लान में 13 से 14 घंटे का ब्रेक भी आपके डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में काफ़ी है। एक्टिव प्लान में भी कोशिश करें कि आप डिनर जितना जल्दी खा पाएँ उतना जल्दी खाएँ, क्योंकि जैसे जैसे शाम ढलती है आपकी जठर अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर कमज़ोर होती रहती है। तीसरी टिप, अगर आपको किसी भी 2 मील के बीच में भूख लगे तो अपना नट बोल बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए कटोरी ले लीजिए और उसमें डालें 1 केला, बड़ी मुट्ठी भर नट्स और 2-3 खजूर। अगर आपके पास होममेड नट बटर है तो वो। ये हो गया आपका स्नैक तैयार। पैकेट बंद, डब्बा बंद, फैक्ट्री से बनी चीज़ें ना लें। चौथी टिप, रोज़ स्ट्रेंथ बेस्ड वर्कआउट ज़रूर करें। यदि आपने ये पूरा डाइट प्लान फॉलो कर भी लिया और अगर आप एक्सरसाइज को पीछे छोड़ देते हो तो हो सकता है कि वेट गेन फिर भी ना हो पाए। एक्टिव प्लान में ये बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ कम से कम आधा घंटा स्ट्रेंथ बेस्ड वर्कआउट करें, जिसमें आ जाते हैं पुशअप्स, पुलअप्स, वेट ट्रेनिंग, बॉडी वेट वर्कआउट वगैरह। ऐसा नहीं कि आपको जिम जाके अब भारी वेट्स उठाने की ज़रूरत है, आप अपने बॉडी वेट से ही अलग अलग तरीके के स्ट्रेंथ बेस्ड वर्कआउट्स भी कर सकते हैं। कार्डियो बेस्ड एक्सरसाइजेस जैसे कि रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग के साथ साथ स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एक्टिव प्लान में। अच्छा, एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है इस प्लान में? क्योंकि इस प्लान में आपका फूड इंटेक ज़्यादा है और उसको डाइजेस्ट करने के लिए और पोषण को, न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने के लिए बॉडी को वर्कआउट चाहिए, वरना वो अच्छे से पचेगा नहीं और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब ही नहीं होंगे। तो ये हो गई हमारी बोनस टिप्स कंप्लीट। पहले हमने डिस्कस किया कि प्लान किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं, फिर डिस्कस किया एग्जैक्ट प्लान क्या है और फिर 4 बोनस टिप्स। अब आप इसको कम से कम 3 महीने फॉलो करके देखें। एक और बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि जब आप इस प्लान को फॉलो करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप हट्टे खट्टे और मस्क्यूलर बन जाएंगे।
जब आप ये एक्टिव प्लान फॉलो करेंगे तो आपकी बॉडी अपना खुद का नेचुरल बॉडी वेट ले लेगी। किसी और से कभी कंपेयर मत कीजिएगा। जैसे एक जिराफ का शरीर कैसा होता है, एकदम पतला, और हाथी का मोटा और भारी। अब अगर एक जिराफ हाथी जैसा खाए तो वो क्या कभी हाथी जैसा भारी हो सकता है? नहीं। और हाथी जितना भी जिराफ जैसा खाना क्यों ना खा ले, क्या वो जिराफ जैसा पतला हो सकता है? नहीं। वो इसीलिए क्योंकि माँ प्रकृति ने दोनों का शरीर अलग बनाया है। ऐसा ही कुछ इंसान के साथ है। कुछ लोगों को ब्रॉड बिल्ट बनाया है तो कुछ लोगों की बॉडी एकदम पतली और लीन। हम पूरी जिंदगी किसी और के जैसा पतला या मोटा बनना चाहेंगे तो पूरी जिंदगी निराश और अनसैटिस्फाइड बिताएंगे। तो आप चिंता ना करें, आप सिंपली इस प्लान को फॉलो करो और पेशेंट रहो। बॉडी को चेंज दिखाने में समय लगता है। जितना वेट आपकी बॉडी को नेचुरली गेन करने की ज़रूरत है, इस प्लान को फॉलो करके वो ऑटोमेटिकली कुछ ही महीनों में हो जाएगा। नारियल का दूध बनाना सीखने के लिए यहाँ क्लिक करें, और सात्विक सब्जी रोटी बनाना सीखने के लिए यहाँ। अभी के लिए इतना ही। हम आपसे जल्द वापस मिलेंगे।